खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर में रात में आई आंधी और बारिश के सब्जी मंडी के पास हाईटेंशन तार पर चिड़ गए की कटिंग का काम हुआ तो आवागमन विद्युत रहा बाधित। सुल्तानपुर प्रधान और सेक्रेटरी के खाते में वापस लिए जाएंगे अंत्योष्टि। ऐसा लापरवाही पर दूसरे ग्राम पंचायत को मिलेगी सौगात, बीपीओ ने कहा। सुल्तानपुर जिले में आंधी तूफान और बारिश की तबाही का मंजर तस्वीरों में देखा जा सकता है। सुल्तानपुर जिले में आंधी तूफान और बारिश के पेड़ और बिजली के खंभे टूट कर गिरे। आकाशीय बिजली गिरने से किसान की गई जान। सुल्तानपुर नाबालिका अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को गोसाईगंज पुलिस ने वैसिया से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह जिले में सबसे बड़े सदर में आला अधिकारी से आने पर डीएम को लिखे पत्र। सुल्तानपुर एंटी रेमी टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं महिला सुरक्षा विभिन्न संबंधित हेल्पलाइन नंबरों के बारे में किया गया जागरूक। सुल्तानपुर रात में तेज हवा और बारिश के चलते नगर की सब्जी मंडी में हाईटेंशन तार गिरने से पेड़ की विद्युत व्यवस्था हुई बहाल। सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर के पूरे शहीद जिले में चला बैंक चेकिंग अभियान। सुल्तानपुर रात को चली तेज हवा के चलते अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग गणपत साहिब डिग्री कॉलेज के सामने सड़क पर गिरा पेड़, आवागमन हुआ बाधित। सुल्तानपुर एसपी के निर्देश पर जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अधिकारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल की गई गश्त। सुल्तानपुर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अंबेडकर पार्क में अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा, शुरू किया धरना प्रदर्शन। सुल्तानपुर एसपी द्वारा जनपद के शहर के क्षेत्र शांति व्यवस्था दृष्टिगत आमजन संवाद स्थापित करते हुए की गई पैदल गश्त। सुल्तानपुर डीएम की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में 50 लाख से अधिक की लागत से निर्माणाधीन परियोजनाओं को समीक्षा बैठक की गई आयोजित। सुल्तानपुर माइक्रो डोनेशन अभियान के जरिए लोगों को जोड़ रही है भाजपा, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा ने कहा। सुल्तानपुर जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट में सुने गई जन समस्याएं, किया गया निस्तारण। सुल्तानपुर एसपी के निर्देश पर शांति व्यवस्था भंग किए जाने के संबंध में जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 35 लोगों की हुई गिरफ्तारी, एसपी ने दी जानकारी। सुल्तानपुर जैक्सन को तेज आंधी तूफान के मोहली गोदाम समेत सैकड़ों स्थानों में हुआ लाखों का नुकसान, 15 घंटे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था रही ठप। सुल्तानपुर जैसिंहपुर पियरी मित्रौली गांव में तेज आंधी तूफान के आवासी छप्पर गिरने से नीचे सो रहे बुजुर्ग की मौत, महिला समेत दो घायल। सुल्तानपुर जैसिंहपुर राहीबीगो गांव में लाला का पूर्व में एक व्यक्ति जंगली सुअर के किया हमला, व्यक्ति हुआ घायल। सुल्तानपुर नमोचाना में निजी कंपनी द्वारा जल निगम की पाइप के ऊपर खंभा लगाने का आरोप। सुल्तानपुर मसीहपुर गांव में कोतवाली के समीप नहर में मिला गैस, सौ के नहीं हो सकी शिनाखत, पुलिस ने सौ को पीएम के लिए भेजा, शिनाखत की कोशिश।